182 बटालियन, जैसा आप जानते हैं कि पुलवामा में तैनात है, यहाँ के नागरिकों की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम लोग हर वर्ष मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं। इस साल 10 मेडिकल कैंप आयोजित करने का प्रस्तावित किया हुआ है, उसमें आज ये तीसरा मेडिकल कैंप यहाँ ताहब में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। अभी तक 200 से अधिक ताहब के निवासियों ने आकर के इस सुविधा का फ़ायदा उठाया है। किस तरह से दवाई इनको मिल रही है और फ्री में? यहाँ पर इनको जो हमारे डॉक्टर्स हैं और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके सहयोग से यहाँ के निवासियों को चेकअप किया जा रहा है, आवश्यकता अनुसार उनको दवाई दी जा रही है। और अगर किसी को फॉलोअप की ज़रूरत है तो उनसे अनुरोध किया गया है कि वो यूनिट मुख्यालय में आकर के यूनिट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। क्या मैसेज रहेगी आपके आवाम से, पुलवामा के आवाम से? पुलवामा की आवाम अच्छा लगता है ये देख के कि जब वो अपने बाहर निकल रहे हैं, हड़ताल बंद कर दी है, काम पे लगे हुए हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, हालात सामान्य हो गए हैं, ये देख करके काफ़ी खुशी होती है। आम जनता भी काफ़ी खुश है।